हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी बस सुबह सुबह का टाइम था, सुबह के लगभग 7:30 बजे होंगे लगभग। तो बस यहाँ पर जो है हमारा झाड़ू जो है लग चुका है, तो यहाँ पर जो है हम लगा रहे हैं पोछा, क्योंकि ये सब हमारा डेली का काम होता है तो ये तो हमें करना ही होता है। तो चलिए फिर फटाफट से पोछा लगाते हैं, फिर उसके बाद में जो है अपना दूसरा काम करेंगे। दूसरा क्या मतलब, नहाना धोना हमारा होगा। तो बस अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से जो है अपने काम करते हैं और फिर उसके बाद में अपना बाकी का काम कुछ देखते हैं। तो अभी ना मेरा पोछा वाला जो है काम वो समाप्त हो चुका है अंदर का, तो अभी ना थोड़ा सा बाहर लगा देते हैं, फिर जो है मेरे झाड़ू पोछा सफाई वाला काम हो जाएगा। अभी ना बाहर लगा देते हैं। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है बाहर लगा देते हैं, क्योंकि बाहर तो रोज़ नहीं धुलते हैं, मतलब तीन चार दिन बाद धुल देते हैं, लेकिन ये पोछा ना जो है हम डेली लगा देते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी आती रहती है ना, तो अगर पोछा लगा दो तो हल्का फुल्का जो है हट जाती है, तो बस थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, साफ भी हो जाता है। तो चलिए फिर बाहर भी लगा लेते हैं। और इस समय ना मतलब अब तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत ज़्यादा, तो अब छुट्टियाँ भी जो है स्कूलों में हो गई, तो आराम से जो है काम, आराम से नहीं मतलब ये है कि बस सुबह मतलब जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो बस यहाँ पर बाहर का भी हमारा पोछा जो है लग गया। यहाँ पर ना धूप आ रही थी इस साइड से, सुबह सुबह की ये धूप है यहाँ पर ना, पौधों में सुबह सुबह धूप ये लग जाती है। तो और यहाँ पर ना धूल भी पड़ गई थी, मतलब अभी 2-3 दिन हो गए तब धुला था, लेकिन धूल अभी पड़ ना गई। ये दूध मेरा गर्म हो रहा है। तो अभी बना रहे हैं चिला, सुबह सुबह का टाइम है तो आज ना सुबह सुबह बनाएंगे चिला। तो ये एक बन गया हमारा, ये एक बस तो ही बनाएंगे। ये बन रही हमारी चाय काली काली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी खाना बनाने जा रहे हैं दोपहर के लिए, तो चलिए फिर बनाते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो खाने में आज बनाएंगे दाल चावल और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ना आलू की सब्ज़ी नहीं बनी हुई। तो सबसे पहले ना पानी पीते हैं, क्योंकि अभी बस ना इतनी दाल बनाते हैं, बस 3 लोगों के लिए इतनी ही दाल बनाएंगे, इसमें से ना बच भी जाती है। Thank you.
दाल थी हमारी वो पक गई, तो अब जो है फ्राई कर लेते हैं। दाल फ्राई कर लेंगे फिर उसके बाद में बना लेंगे चावल। और अभी ना मतलब दाल बन गई, फिर दाल को फ्राई कर देंगे, चावल बना लेंगे और जो है आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि डेली डेली ना मतलब इसमें हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लौकी तुरई तो बहुत सारी ना इस समय हरी सब्जियां ही आ रही हैं। मतलब इस समय क्या मतलब हर मौसम में अपनी अपनी सब्जी आती ही हैं, तो बस ना मतलब बहुत दिनों से ना आलू नहीं बने हुए थे, तो मन कर रहा था कि मतलब आलू की सब्ज़ी बनाएं, तो बस इसके साथ में ना हमने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो मतलब ये दाल हमारी हो गई थी और आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी, तो मतलब काफ़ी अच्छा, दाल भी हमारी फ्राई हो गई, तो अब जो है चावल बना लेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप पहली बार आते हो चैनल पर मेरे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो यहाँ पर ना ये मतलब दही रखा हुआ था, तो एक दिन पहले ना हमने इसमें थोड़ा सा दही जमाया हुआ था, लेकिन इसमें का ना थोड़ा सा मतलब खा लिया था, तो अभी ना हमने कहा चलो दोबारा से इसमें जो है दूध डाल देते हैं, तो फिर ये 2-3 घंटे में मतलब अच्छा दही बन जाएगा। तो इसको भी रख देंगे जमने के लिए। तो यहाँ पर ना ये मेरे बेटे ने पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत ही अच्छी थी, मतलब उसने अपने एज के हिसाब से बहुत अच्छी बनाई थी पेंटिंग। तो हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये तो आता नहीं है मतलब वीडियो में हमारी, मतलब इसको नहीं अच्छा लगता, तो इसको अच्छा नहीं लगता तो फिर हम ज़बरदस्ती इसको लेते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो पेंटिंग थी ये बन गई थी, और उसने ना ये स्कूल के लिए बनाई हुई थी। इस समय ना स्कूल में समर कैंप चल रहा था, तो बस उसी के लिए जो है उसने बनाई हुई थी, काफ़ी अच्छी बनाई थी उसने। अभी ना हमने ये लिया है तरबूज, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस समय बहुत तरबूज आ रहे हैं। तो चलिए फिर अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए थे हमारे वीडियो पे, खरबूजा बेच रहा है इस समय ना, तरबूजा खरबूजा बहुत आ रहे हैं, तो अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपके यहाँ तरबूजा खरबूजा बेचने आ रहे हैं तो आप भी ले लीजिए और खाइए, क्योंकि अभी ना मैंने लिया था।